हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। टॉपिक ये है गाइस कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, आपकी एनर्जीज कहाँ है। लेट्स सी, गाइज आपकी लाइफ में देखिए, सबकी लाइफ अलग अलग है और सबकी वाइब्रेशन अलग अलग, तो मैंने हमेशा बात की है कि जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि चमत्कार होते हैं, परमात्मा उतरते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं और जब भी जिनकी जिनके साथ भी हुई है ना, आप उनको देखिएगा उनकी लाइफ के अंदर उन्होंने कितनी पॉजिटिविटी को मेंटेन किया होगा, जिनके साथ भी आज तक चमत्कार हुए। सो कहीं ना कहीं परमात्मा करते हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जीज पर भी डिपेंड करता है। अब विक्टिम मेंटालिटी में आप सोचे कि कोई चमत्कार हो जाए, इम्पॉसिबल है। विक्टिम मेंटालिटी कहती है कि इंसान हमेशा ये सोच रहा है कि मुझे क्या 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 दुख मिले हैं। जब जब आपके पास दुख पर आपका फोकस होगा डियर, वही मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आप अच्छा जीने के लिए बने हैं, खुश जीने के लिए बने हैं, लव में जीने के लिए बने हैं, आप लव को डिजर्व करते हैं, आप यू नो कहीं ना कहीं जब तक आप लविंग थॉट्स को क्रिएट नहीं करेंगे डियर, लव आएगा कैसे आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, जब तक आप लविंग थॉट्स को क्रिएट नहीं करेंगे, आप वही घिसे पटे थॉट्स को क्रिएट करेंगे कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ है, लोगों आई नो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है एंड बहुत सारे लोग मेरी तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। आप देखिए आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पर जितने जो दुखी हैं, लेकिन जब तक आपका फोकस दुख पर है डियर, पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट करोगे? आई डोंट नो, बट ये कैसे पॉसिबल होगा आपके लिए? ठीक है, परमात्मा अगर पॉजिटिविटी आपकी तरफ भेज भी देंगे ना, तो आपकी विक्टिम मेंटालिटी ऐसी क्या पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लोगे। अर्थ क्या है इस चीज़ का कि आप में से काफ़ी सारे लोग विक्टिम मेंटालिटी में है, वो इस वक्त में वही चीज़ें वही बातें करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, तो सिर्फ अपना दुखड़ा रोते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, उसने मेरे साथ ये किया, ये दुनिया बेकार है, ये आप यही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, आप यही थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, ऐसी ही वाइब्रेशन में हो, ऐसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं डियर। ठीक है, अब आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको मैसेजेस देती हूँ। अब जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद को सर्च करना स्टार्ट कर दिया, जो एनलाइटन हो चुके हैं, जो लोगों को ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब बॉडी नहीं है, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं और जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप देखिए उनकी वो सोल को समझ रहे हैं, जहां पर इंसान ने शरीर को समझना बंद कर दिया और सोल को समझ रहा है वो व्यक्ति, वो डिस्कवरी कर रहा है, वो नई नई चीज़ों की खोज कर रहा है, तो लगातार देखो उसे सेल्फ वर्थ मिल रही है। ठीक है, उसे लगातार सेल्फ वर्थ मिल रही है, एंजल्स उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो एक कदम बढ़ाता है एंजल्स उसको और चार दरवाजे खोल कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसको लगातार सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सेल्फ वर्थ आ रहा है, लेकिन ये आपकी एनर्जी पर बहुत डिपेंड करता है गाइस। ठीक है, पता नहीं आप लोग को इस तरीके से गाइड करता है कौन, ऐसे गाइड करता है कौन नहीं करता है, बहुत सारे आप टैरो रीडिंग देखते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपकी एनर्जीज क्या आपकी तरफ लेकर आने में सक्षम है, क्योंकि आपकी तरफ या कोई जनरल रीडिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही होती है, क्योंकि कार्ड्स तो बता रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिल इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप इस ऊर्जा में बैठे हैं विक्टिम मेंटालिटी में।
ठीक है, आप आज भी इसी ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आप ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है, वही चीजें बार बार होती जा रही हैं। तो कहते हैं ना कि साइकिल रिपीट करने के लिए उसे ब्रेक करना पड़ता है, साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है ताकि वो रिपीट ना हो। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, जो डिस्कवरी कर रहा है, जो खुश है अपनी लाइफ में, जिसने अपने ऊपर पूरा फोकस, जब आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखने लगेंगे आप बहुत खुश रहेंगे। आपको कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता है, आपको दुखी करती है आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने उस व्यक्ति से लगाई। अगर आप एक्सपेक्टेशन रिलीज कर दें तो बजाय उस व्यक्ति की वो आपको दुखी करता है, वो व्यक्ति आपको दुखी नहीं करता, उससे लगाई हुई एक्सपेक्टेशन आपको दुखी करती है। यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है। तो इस वजह से जो लोग सोल कॉन्शियसनेस में है, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, वो सेल्फ वर्थ को यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वर्थ को इंजॉय कर रहे हैं, अपने मटेरियल सक्सेस भी पा रहे हैं, स्पिरिचुअल सक्सेस भी पा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या कार्ड, यहाँ पर कार्ड एक पृथ्वी का एंड ग्रेटिट्यूड का, ये दोनों कार्ड इस चीज की बात कर रहे हैं गाइस, कि आपकी लाइफ में लोगों ने आपका बहुत एडवांटेज लिया। अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो आपका एडवांटेज ले लेते हैं, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो ना, लविंग एनर्जी में कर रहे हो। देखिए एडवांटेज का मतलब क्या हो गया, हमने जब कोई कोई हमारे लिए किसी ने हमने किसी के लिए किया और हमने बदले से बदले में उसके उससे एक्सपेक्ट किया और उसने हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, तो हम ऐसा कहते हैं कि उसने हमारा एडवांटेज ले लिया। अब कोई व्यक्ति बिना एक्सपेक्टेशन के अगर काम कर रहा है या ऐसा सोच रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा सोच रहा है कि अगर सामने वाला नहीं भी लौटाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर इसको हम एडवांटेज नहीं बोलते हैं, इसको हम ऐसा बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज को लेकर कि उन्होंने आपको इतना सक्षम बनाया कि आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, हमेशा लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, ठीक है, भले ही आप कुछ भी दे रहे हो, तो आप हमेशा इसलिए कहते हैं ना कि जो भी आपके पास गिफ्ट है उसको शेयर करो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। तो भले ही कोई इंसान ऐसे सोचकर आपसे ले रहा हो कि उसने आपको फायदा उठा लिया, लेकिन आपने कैसे सोचकर दिया कि अगर मैंने किसी की मदद की है, उसको उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपसे वो चीज ले ली, यानी कि वो फायदा उठा लिया उसने आपका, लेकिन आपने मदद किस उद्देश्य से की थी? आपने मदद इस उद्देश्य से की थी कि ईश्वर ने मुझे मदद करने लायक बनाया है, ठीक है, तो वो मतलब ईश्वर का शुक्रिया उस चीज के लिए, ठीक है, ये मेरा अच्छा कर्म क्रिएट करने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं जहां पर लोग आपको देख रहे हैं एक इस तरीके से कि वो आपको नेगेटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, वहां पर आपने एक पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रखा है कि तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक, मैं जो काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बदले में तुमसे कुछ चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा से ये आदेश आता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने मुझे देने लायक बनाया तो देने में क्या बुराई है, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का कुछ नहीं है, जो भी दिया हुआ है उसी का है, तो उसी का दिया हुआ उसी के लोगों में बांटने में दिक्कत क्या है। जो भी परमात्मा ने आपको दिया है, धन हो, यश हो, आपके पास धन हो, तन हो, आपके पास जो जो श्रम होता है ना, लोगों को श्रम से मेहनत करते से कुछ लोग फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहे धन से करे, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, ठीक है, किसी की भावनाओं को समझना, ठीक है, अपने किसी के इमोशंस को समझना, उनके लिए हेल्प करना, आप किसी भी तरीके से करें, चाहे आप पैसे से करें, ठीक है, बल से करें, किसी का किसी के लिए यू नो आप आगे आकर खड़े हो जाएं, आप किसी भी तरीके से किसी की मदद करें, ठीक है, वो आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजों के लायक आपको परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा का दिया और परमात्मा के लोगों में बांट रहे हो, उसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आप इस तरीके से काम करो, ये चीज भी आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा खुशी दे रही है। अब देखिए जब भी आप कोई नेक काम करते हैं वो आपको पॉजिटिविटी से भर देती है, और जब भी आप कोई गलत काम करते हैं गिल्ट आपको भर देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आइसोलेशन में है लेकिन गिल्ट में है, वो अपनी पास्ट की गलतियों को सोचते हैं कि उनसे सारी चीजें गलती हुई। मैंने एक बार कई बार बताया कि वो लेसन थे जहां पर आपको सीखना था, अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो आपकी आगे की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आप गिल्ट से बेहतर है कि आप ये सोचें कि वो चीजें मुझे सीखनी थी और सीखने पर इम्पोर्टेंट फोकस कर लें। अब ये यहाँ पर जो गिल्ट में है वो क्या अट्रैक्ट करेंगे, गिल्ट की वाइब्रेशन देखिए, वाइब्रेशनल चार्ट उठाकर, ठीक है, कितनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी। अब इस वाइब्रेशन में आप सोचें मिरेकल हो जाए तो कैसे पॉसिबल है, डियर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनको इंट्यूशन उनके लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं, जो भी गाइडेंस उन पर आ रही है उन पर वो एक्शन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और वो कुछ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, आप इससे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है। ग्रीफ कार्ड दिखा रहे हैं कि आप दुख से बाहर आए हैं अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके, और लगातार आप गाइडेंस को फॉलो करते ही अपने दुख से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे जॉय की एनर्जी में दिख रहे हैं, तो वो जो जॉय की एनर्जी में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, तो कुछ लोग सेल्फ वर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सोल पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लाइफ पार्टनर, कुछ लोग फ्रेंड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत लॉयल,
आप लगातार चीजों को सीख रहे हो, मजा आ रहा है आपको अपनी जिंदगी में, आप पीस में है, खुश हैं आप अपनी जिंदगी में। लेकिन जो आज भी उस वाइब्रेशन में, देखिए कुछ नए आए होंगे चैनल पे डेफिनेटली, जो विक्टिम मेंटालिटी में है, जो दुख पर फोकस किए हुए हैं, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि दुख से निकलने का रास्ता उन्हीं के पास है। जब तक वो नहीं तय कर लेते कि मुझे दुख से बाहर निकलना है, तब तक परमात्मा उन्हें दुख से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है गाइस, ठीक है, ये आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दिए तो गाइस दुख ही मैनिफेस्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में आप सेलिब्रेशन करोगे अगले कुछ घंटों में। ठीक है, यहाँ पर आप ही चूज करने वाले हो कि कौन सा रास्ता आपकी खुशियों की तरफ जाता है, आप उसे ही चूज करेंगे। ठीक है, इस वक्त में आपको जो चैन करने का तरीका है वो ये है कि ये देखो कि भाई मेंटल पीस कहाँ पे है, जिस रास्ते पर मेंटल पीस मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता गलत नहीं है। मेंटल पीस का मतलब ये नहीं हो गया कि आप कोई भी गलत काम करके मेंटल पीस अपना रहे हैं। मेंटल पीस का मतलब हो गया कि दो सिचुएशन, एक सिचुएशन में आपको बहुत ही ज्यादा वियर्ड फीलिंग आती है, तो वो रास्ता चूज करो जहां पर आपको ऐसा लगे यहाँ शांति है, चाहे एकांतों पर शांति है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति खुश रह पाता है, जॉय में रह पाता है। अब देखिए, जब आपके ऊपर नकारात्मकता हावी होती है तो आप हमेशा ही कोसते हो, कभी लोगों को, कभी वक्त को, कभी ईश्वर को, कभी खुद को। ठीक है, ये गलत नहीं है, एक टाइम पर सब इस वाइब्रेशन में होते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना भी होता है डियर। लंबे टाइम अगर आप इसमें रह गए तो आप पता नहीं कितनी और नकारात्मक ऊर्जाओं को इनवाइट कर देंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है, यहाँ से निकलने के लिए एक्सेप्ट करना है कि मैं लव हूँ। ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं लव हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। ठीक है, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और मैं लव से भरा हुआ हूँ। जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैं लव से भरा हुआ, तो हेटरेड निकलेगी ही नहीं आपके अंदर से। और जब आप हेट क्रिएट ही नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इनवाइट ही नहीं करोगे आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लव को एक्सेप्ट कर लो। आप किससे लव को एक्सेप्ट कर लो, ईश्वर की अनंत ऊर्जाओं से लव को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो तो आपको प्यार बांटती है। और ऐसा मान लो कि आप प्रेम से भरे हुए हैं और दूसरों से नफरत करना बंद कर दो, क्योंकि गाइस आप बहुत गिल्ट में हैं। आप जब गिल्ट में होते हैं तो कहीं ना कहीं या तो खुद को दोष दे रहे होते हैं, या सामने वाले को, या फिर लोगों को, या फिर ईश्वर को। आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो रही है, तो अगर आप नकारात्मक हैं तो आप नकारात्मक चीजों को ही मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसे ही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो और रुलाएंगे आपको, और दुखी करेंगे। जितना आप ये कहेंगे कि मुझे जिंदगी में सब ने धोखा ही दिया है, और ऐसे लोग आएंगे जो आपको धोखा देंगे। ठीक है, ये फैक्ट है बिल्कुल। और जब आप ये कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, मैं संपन्न हूँ, वाइब्रेशन चेंज किया यहाँ पे आपने, जैसे ही वाइब्रेशन चेंज होगी ऐसे लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगेंगे जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको प्यार देते हैं। तो आपकी सोच, आपकी नियत और आपकी बोली यानी आपके वचन, ये तीनों आपके भाग्य को परिवर्तित करती हैं और आपके जीवन को किसी भी क्षण चेंज करने की दम रखती हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मकता आपके ऊपर जो हावी हो रही है ना डियर, इसको मत आने दो अपने ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर डर हावी हो रहा है, नकारात्मकता हावी हो रही है। आप दूसरों के चक्कर में क्यों स्टक हैं ये आपको अभी भी नहीं समझ में आया। ठीक है, आप जब तक खुद से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, चीजों को अलाइन होने दीजिए, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, जिसको आना होगा वो आपके रास्ते पर आकर आपको मिलेगा। आप क्यों एक ही जगह पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक जो सवाल आ रहा है, स्टक वो व्यक्ति होता है जो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा है कि मुझे मिलना क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ भी स्टक की एनर्जी, यहाँ भी इंसान रुका हुआ है। आप अपना रास्ते चलते रहिए, जिसको आना होगा, जब आना होगा, जैसे आना होगा, वो आपके रास्ते में आकर आपको मिलेगा। आपका, आप अपना रास्ता चुनिए और उस रास्ते पर चलते रहिए। एक टारगेट सेट करिए, मुझे ये काम करना, उस काम में लग जाइए। आपके लिए वही वाइब्रेशन आपकी हाई कर देगी, वही चीज आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिला देगी, जिसे आपकी लाइफ में जब आना होगा तभी आएगा। लेकिन आप कब तक एक जगह पर खड़े होकर
ऐसे स्टक बने रहेंगे कि कब आ रहा है, कितना आ रहा है। जब तक गाइज उम्मीद लगाएंगे अगर आप, ठीक है, उम्मीद अगर आपकी आपसे ना लगकर किसी और से लगेगी, वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। जब जब आप खुद से उम्मीद ना लगाकर दूसरों से लगाएंगे, दूसरों का तो काम ही उम्मीद को तोड़ना, एक नहीं तोड़ेगा तो दूसरा तोड़ देगा, ठीक है। सो उम्मीद दुख का कारण है, अपने से लगाइए, अपना टारगेट फिक्स करिए, अपना रास्ता चलिए, जिसे आना होगा वो चीज़ें अलाइन करते हुए आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और यही सिद्धांत है, हम किसी एक जगह पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रुक नहीं सकते, ज़िंदगी रुकने का नाम है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे गाइज, ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और आप ऐसा सोचेंगे नहीं मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बनाना है, न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे एक नया स्टार्ट करना है, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, मुझे दोबारा से पॉजिटिव रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे लव फील करना है, मैं अपने आप में लवेबल हूँ, ठीक है, मैं एक प्रेम हूँ, खुद प्रेम बन जाइए, ठीक है। फिर देखिए कैसे कैसे आपकी लाइफ में लव की बरसात होती है, चारों तरफ से लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी परिवर्तित करेगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस ऊर्जा में हैं, आप इस ऊर्जा में यही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अच्छी ऊर्जा में हैं तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। कुछ यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, कई बार परमात्मा जस्टिस करते हैं, उसके पहले वो चाहते हैं कि आप खुद से जस्टिस करें, और खुद से जस्टिस करने का मतलब है एक नया स्टार्ट लेना, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, अपने आप को बाहर निकालना, कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो इट्स ओके, मैं निकलता हूँ, क्या पता आप जैसे ही निकलो वो आ जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस, आपसे कितना रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।